आज की वीडियो मैं बताऊंगा आपको, देखिए इसका ये सस्पेंशन हब जो है ये टूट गया, देख रहे हैं, इसे चेंज करना है। तो मैं ये न्यू लेकर आया हूँ, इसे फिटिंग करूंगा। ऐसे फिटिंग करने के लिए मुझे व्हील बाहर निकालना होगा और यहाँ से सोकर बाहर निकालना होगा। चलिए मैं इसे बाहर निकाल लेता हूँ। बाहर पिन को बाहर निकलना होगा। गाड़ी को मैंने गिरा दिया है, अब मैं यहाँ पर एक सपोर्टिंग देके, ये सपोर्टिंग इस पे रहेगा क्योंकि जब मैं थोड़ी सी इसे मारूंगा तो इस पे चोट लगना चाहिए, इस पे दबा, इस पे मारूंगा, इस पे चोट लगना चाहिए ना कि इस पे, ठीक है। तो मैं इस पे इसे रख कर और इसे निकालूंगा। ये निकल गया पुराना वाला, और ये नया वाला पिवट पिन भी नया लगेगा। तो चलिए मैं इसे ऐसे फिटिंग करना है। पहले बड़ा वाला ओरिंग को इसमें डाल देते हैं। उसके बाद दोनों बैरिंग को निकाल लेते हैं, दोनों ओरिंग को। इसको मुझे ऐसे डालना होगा, चलिए ऐसे देखिए दोनों बराबर बराबर दोनों साइड से, ये पिन को मैं इतना ही डाला हूँ कि दोनों साइड बराबर रहे। अब मैं यहाँ पर बैरिंग डालूंगा। तो चलिए मैं इसे खड़ा कर लेता हूँ वेस्पा को। अब मैं यहाँ पर बैरिंग को डालूंगा। बैरिंग डालने से पहले ये छोटा वाला ओरिंग इसमें डाल देता हूँ। उसके बाद ये बैरिंग है, यहाँ पर थोड़ा ग्रीस इसे दोनों साइड से इधर भी ग्रीस डाल के से लगा दूंगा। अगर
अगर सिर्फ आपको पीवीडी पिन चेंज करना है तो इसे ही पिन को ही निकालना होगा, इसे चेंज नहीं करना होगा। तो अब हम इसका लॉक को यहाँ पर लगा देते हैं। ये देखो ये लॉक, देखिए लॉक को मैंने दोनों साइड का लगा दिया है, इधर और इधर से। अब मैं यहाँ से इस ओरिंग को ऊपर करूंगा। ये दोनों ओरिंग को डाल दिए, डाल देने के बाद तो मैं इसे लगाऊंगा ड्रम प्लेट को। अब यहाँ पर लॉक को लगा देते हैं। इसका सॉकर को, इसका बोल्ट दोनों, चलिए मैं दोनों को टाइट कर लेता हूँ। उसके बाद 13 नंबर का दोनों बोल्ट को मैंने टाइट कर दिया। उसके बाद ये सारा चीज कंप्लीट हो गया। अब मैं इसका व्हील को लगा देता हूँ। अब इसका व्हील को लगा देता टूटा हुआ था तो इसे मैंने चेंज कर दिया। अगर आपका भी टूटेगा तो चेंज कर सकते हैं। थोड़ी दिक्कत होती है ठोकने में, बट अगर जुगाड़ सही हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।